जानने वाला होगा बताएगा जो जानने वाला है, क्योंकि उसको मालूम ही नहीं। बोलो गुरु प्रीति बढ़ी चितवन में श्रुत खाच धरी चरणन में। जो भाई गुरु से प्रेम हो गया और कुछ नहीं रहा, गुरु से प्रेम हो गया, उनके चरणों में खेल करके लगा दिया, जैसे मतलब है कि रज पैरों में लग जाती है चिपट जाती है, ऐसे तुरंत चरणों में चिपट गए, खेल करके नाम के साथ जोड़ के वो चरणों में जोड़ दिया उसे। अब उससे अलग थलग नहीं हो सकती है क्योंकि वो चेतन का रूप है, चेतन है, चेतन का रूप है, उसके साथ चेतन जुड़ गया और सब धारा प्रत्यमन की रही अमर हो गई। जो जो उनके पास गए, ये तो गुरु से अपना काम करा लिया, और इनके पास ये तुरंत के पास जो जाएंगे उनका ये काम करेंगे, क्योंकि घर में पहुंच गई और आज अंत को जान गई, देख लिया और सब देखते रहते हैं, रोज जाती रोज आती है, वैसे तो मिल जाएंगे उन जीवात्माओं को जगह के पहुंचाएंगे, और बहुत लोगों को पहुंचाया, बहुत पहुंच गए। बोलो मेरी दृष्टि हरी दर्शन में कहते हैं भाई मेरा प्रेम इनसे हो गया, दृष्टि जो है उनके दर्शन करने से हरम हो गया, अब इनके अलावा दूसरी कोई चीज बसती नहीं है, वही चित्त में बस बसी रहती है उनके दर्शन, और चीजें नहीं आती, क्योंकि तो प्रकाशमान है, अद्भुत रूप है, वो जब बस जाता है तो हटता नहीं है। तो वे कहते हैं भक्त हो गया, उदासीन हो गया, पता नहीं क्या हो गया, तो जगत के लोग तो जानते नहीं कुछ, उनका तो कुछ मालूम है नहीं है। इस तरह से अभी जीवात्माएं जाग जाती, जाग रही हैं, अभी जाग रही हैं, जो नित्य प्रति अभ्यास करते हैं उनको नाम शब्द सुनाई देने लगा, और अब ये सफाई करना है तो चढ़ाई करो, उसी को पकड़ के चढ़ना तो खिंचाव हो जाएगा, जैसे सूरज का ऊपर का पर्दा हटा तो वैसे उसके साथ जो है खिंचाव हो जाएगा। तो फिर ये कहते हैं कि भाई क्या मैं मर जाऊंगा, क्या मैं ऊपर को खिंच रहा हूँ तो मैं मर जाऊंगा, मुझे डर लगता है, मरोगे नहीं, तुम खिंच जाओ ऊपर की तरफ लौट के आ जाओगे, मरोगे नहीं, जब समय पूरा हो जाएगा तभी तुम देवी को छोड़ोगे, लेकिन डर गए, गिर के जाते हो, चढ़ते हो गिर जाते हो, चढ़ते हो गिर जाते हो, और फिर हमसे शिकायत करते हो कि मुझे डर लगता है इनके देखने से, इनके सुनने से, खिंचाव करने से, अरे तुम खिंच जाओ मरोगे नहीं, तरी नहीं छोड़ोगे, जब तुम्हारा समय पूरा होगा तभी छोड़ना, इसके अंतर्गत ये कमाई कर लो, पहुंच जाओ आ जाओ, जाओ और आ जाओ, जाओ और आ जाओ, ये अपनी चाल बना लो आने और जाने की, जब समय रहेगा पूरा समय होगा तब चले जाना, तब तक तो अपना काम कर लेना, इसी में डर जाओगे छोड़ दोगे, डरो मत, ये रास्ता सीधा है सरल है, जो चीज देखी नहीं है उसको तुम अंदर समझते हो कि भूत है, वो भूत नहीं है वो सत्य है, अंदर में जो कुछ आंख से सुनते, कान से सुनते हो, आंख से देखते हो, सत्य है, तो उससे डरो मत, ये ठीक है मुद्दत हो गए उसको छोड़े हुए, तो खौफ से मालूम होता है एकदम, जैसे करंट होता है कि बिजली का लग जाए तो बुद्धि का खत्म हो जाता है, जैसे बुद्धि सुन हो गई, कुछ ऐसे ही हो है, ऐसे ही करंट लगता है, तब तुम एकदम से डरते हो कि ये क्या हो गया, वो सत्य है, उसको बराबर पकड़े रहो, उसको छोड़ो मत, वही तुमको ले जाएगा, वही ले आया, और जैसे जैसे खुलते जाओगे चढ़ते जाओ बर्दाश्त होता जाएगा, सहन होता जाएगा, वही चीज जब सहन हो जाएगी तो आना जाना आपका मतलब आने जाने की रोज की हो जाएगी, जब तक उससे खौफ रहेगा डर रहेगा तभी तक चाल रुकेगी, और घर चला गया प्रीत हुई तो जब प्रेम कम होगा तभी से गिरते हो, प्रेम पूरा रहेगा तो नहीं गिरते, तब तो चढ़ते जाओ, क्योंकि गुरु उधर आते और जाते हैं, तो आप उनके साथ आओ जाओ, डरने की बात है। तो इनमें से बहुत से लोग ये शिकायत करते हैं कि हम क्या करें, अरे जो करते हो करते रहो उसको, और तेजी के साथ में करो, क्योंकि अंदर में तुम जा गए हो, पहले डर लगता है, हमें डर नहीं लगेगा, तुम खूब अच्छी तरह से सुनो देखो, तब फिर पूछते हैं वो क्या हुआ, कह लगे तो डर निकल गया, अब निकल गया, ऐसी जगह जगह पर डर लगेगा, क्योंकि वो चीजें इस तरह की है जो अंदर में दिखाई देती है, उससे खौफ मालूम होता है, डर मालूम होता है। बोलो सतगुरु पर जाओ बलिहारी, सतगुरु मेरी सुन
सदगुरु पर निछावर होती हूँ, क्योंकि सदगुरु ने मेरी खुद को मेरी याद की और मुझे यहाँ से जगा करके घर पहुँचाया, तो टोटल निछावर हूँ। यानी हर तरह से कुर्बान हूँ, इसी तरह से कोई कमी नहीं बोलो। पकड़ा करके पकड़ करके मुझे खींच लिया और भक्ति सर्वोमणी कहते उस भक्ति को उन्होंने मुझको दिया गुरु जी। ये कहीं ने लिखा कि परमात्मा ने या कोई वचन अवतारी शक्ति आई या मुसलमानों में कोई फकीर पैगंबर ने उस गुरु ने जो मौजूदा मिला उसने ये काम किया और मुझे और मौजूदा ही गुरु काम करेगा। जो पिछले हो गए पूरे हो गए ठीक है, पूरे थे उस समय जो जीव रहे उनका काम किया और उसके बाद तो अब आप आए तो आपको तो जाना चाहिए पूरा उस चले गए तो आपने देखा नहीं ना उनकी बारी तुरी है ना उनका रास्ता समझा वो तो चलेगा। आप तो नए आप तो रास्ता बटते हुए उसको तो नए से मिलेगा उससे कुछ नहीं मिलेगा। वो पूरे थे वो जो गए उन्होंने कह दिया कि भाई मेरे वक्त में जिन लोगों ने ये दिया है उनका काम होगा, बाकी लोग जो है आगे तलाश करेंगे, जो आगे आएंगे वो तलाश करेंगे। तो आपको खोजना चाहिए। आप कहोगे नहीं उन्होंने जी महाराज थे वो थे और वही वो नहीं, आपको नया खोजना पड़ेगा क्योंकि तुम्हारा नया शरीर है उनका भी नया शरीर है उसमें जगह पहुंचा हुआ मिलेगा तो वो आपको बताएगा और वो तब बताने के लिए आएंगे नहीं। उसको शरीर छोड़ करके शरीर तो उनका मिट्टी का था उसमें मिट्टी में मिल गया उसको चले गए यहाँ से, अब बताने के लिए दूसरे शरीर धारण करेंगे वही फिर आते हैं ऊपर से छोड़ते भेज जाते हैं जाओ तुम जाकर के जगाओ जाकर के आप तुम्हारे शरीर में आते हैं जैसे आप जन्म लेते हो वैसे ही वो भी जन्म लेते हैं इसी में गुरु पर आकर के और फिर तो रास्ता नहीं छोड़ते गुरु गुरु स्थान का रास्ता नहीं छोड़ते गुरु बना करके और फिर कहते हैं देखो ये गुरु ने की कृपा की बोलो आरत अब उनकी करूं तन मन धन सब अर्पूं। अगर मैं उनकी आरती करता हूँ कैसे तन मन धन सब अर्पण करके कुछ बाकी नहीं रखते अच्छाई बुराई सब चाहे अच्छाई हो चाहे बुराई हो चाहे तन हो चाहे मन हो चाहे धन हो सब अर्पण करके और उनकी खुलो खुला आरती झुंझरा जी को कांट रखोगे द्वारा रखोगे छुपाव रखोगे तो वो तुम्हारी लिए कसर है कमी है। ये तन मन धन को दे दो इसको शुद्ध साफ करो और वो सुधर सफाई करके तुमको दे देंगे वो तुम्हारे पास ही रहेगा लेकिन वो दे तो दो जिससे कि तुम्हारा ये कपड़ा साफ कर लिया जाए और शुद्ध हो जाए मन बुद्धि चित्त अंतरकरण ये सब आपका शुद्ध हो जाए और चित्त तुम्हारे पास रहेगी वो तो पहले भी जाते वो कहते हैं चलो इस रास्ते से चलो अब अपने धाम में चलो अपने देश में ये देश परदेश है आपका देश नहीं है।